नमस्कार दोस्तों, अभी अभी की सबसे बड़ी खबर बिहार मौसम को लेकर आई है। बिहार में दोस्तों सूपड़ा साफ होने वाला है, भारी भयंकर बारिश, आंधी तूफान, जमकर ओलावृष्टि। देश में मानसून के प्रवेश के पहले ही राजस्थान से लेकर बांग्लादेश तक बनी ट्रफ लाइन कमाल दिखा रही है। इसी के असर से देश की राजधानी दिल्ली में दोस्तों सोमवार की शाम इतना भयानक और जोरदार तूफान और बारिश हुई, जिसका असर बिहार में भी दिखने वाला है। बिहार के दोस्तों अधिसंख्या जिलों में अगले 24 घंटे तक तेज आंधी, भारी बारिश, ओलावृष्टि दोस्तों होने वाली है। पूर्वी बिहार के सभी जिलों के अंदर येलो अलर्ट जारी कर दिया है और यहाँ के सभी लोगों को सावधान रहने की अपील की जा रही है। यहाँ पर दोस्तों लगभग 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी तूफान चलेगा। पिछले 24 घंटों में सर्वाधिक बारिश अररिया में हुई। पटना मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक संजय कुमार का कहना है कि प्रदेश का मौसम काफी तेजी से बदल रहा है। इसका मुख्य कारण है प्रदेश से ट्रफ लाइन का गुजरना। फिलहाल राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल तक बांग्लादेश ट्रफ लाइन गुजर रही है। इससे प्रदेश में आंधी व बारिश की स्थिति बनी हुई है। इसी वजह से दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान के अंदर भी भारी बारिश, आंधी तूफान देखने को मिल रहा है। और दिल्ली के अंदर जो तूफान आया था इसी ट्रफ लाइन की रेखा की वजह से आया है और अब बिहार के अंदर दोस्तों भारी भयंकर तबाही मचने जा रही है। बिहार के दोस्तों अधिकतर हिस्सों में आंधी तूफान अगले 2 घंटों के भीतर देखने को मिल सकता है। कुछ स्थानों पर जोरदार बारिश और जोरदार ओलावृष्टि होगी। इसलिए आपसे विनती है कि दोस्तों आप भारी बारिश, आंधी तूफान के चलते बाहर ना निकले। और वर्तमान में आपके शहर का मौसम कैसा है कमेंट में लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मौसम की जानकारी